दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी फूल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा अंत तक। बहुत काम की जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं। काफी रिसर्च की है मैंने, काफी कमेंट के जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। काफी बंदों ने पूछा कि सर कितने की आती है, कब चेंज करनी चाहिए, अगर फूल जाए तो क्या होगा, जल जाएगी, फट जाएगी, क्या नुकसान हो सकता है हमारे मोबाइल फोन में। तो देखिए, आज इस वीडियो में सारे मिथ आपके क्लियर करूंगा और बैटरी के बारे में जो भी कुछ आपने इंटरनेट पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि आपको बैटरी को ठीक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज आपको बैटरी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी फूलने लगे वो कैसे पता चलेगी, आपका बैक कवर थोड़ा थोड़ा फूलने लगेगा और आपका मोबाइल फोन थोड़ा थोड़ा बैंड होने लगेगा, तो आप समझ जाइए आपके मोबाइल फोन की बैटरी फूल रही है। और आप किसी भी दुकान पे मोबाइल लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाने की बजाय है ना, अगर आपका फोन एक साल की अंडर वारंटी में है तो आप सीधा सर्विस सेंटर जाएंगे भाई, किसी भी दुकान पे मत दिखा देना, क्योंकि उसके मोबाइल फोन खोलते ही आपके फोन की गारंटी खत्म हो जाएगी और वो फिर आपको या तो लोकल बैटरी डाल के देगा, घटिया से घटिया क्वालिटी की बैटरी डाल के देगा आपको, और आपसे 1000-1500 रुपये वो मार लेगा। तो आपको देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक साल तक गारंटी होती है कोई भी फ़ोन आप खरीदते हैं, तो उसके सर्विस सेंटर जाइए। बस सबसे पहला काम ये है आपका, अपने बिल में चेक कीजिए कि आपने कब वो फ़ोन खरीदा था, परचेज़ किया था, और उस बिल के अकॉर्डिंग ही आप जाएं सर्विस सेंटर में। फ्री में बैटरी चेंज होती है, बैटरी का कोई भी चार्ज किसी भी सर्विस सेंटर में नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, सर्विस सेंटर जाएंगे तो भी आपको वहाँ भी जाकर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, किस तरीके से आपको डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी कस्टमर को भेजता रहता हूँ सर्विस सेंटर में, वो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स लेके आते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए, आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो हर कोई बंदा है ना, ये चाहता है कि इसको टरका दिया जाए, ये पैसे देने पे आ जाए, इसे ऐसी नॉर्मली इसको ट्रक कर दें कि भाई इसका सर वाटर डैमेज सेट हो गया, तो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, मगर आप आड़े रहिएगा। देखिए, वाटर डैमेज सेट कब डिक्लेयर होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपके लिए काफ़ी वीडियोस पिछली बना दी हैं ऐसी कि मदरबोर्ड के अंदर एक स्टिकर लगा होता है, जब वो व्हाइट कलर का होता है, जब वो रेड कलर हो जाता है उसके बाद उसकी वाटर डैमेज कंडीशन में वो सेट गिना जाता है, उससे पहले वो वाटर डैमेज नहीं कहलाता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, बार बार से कहेंगे सर ये तो वाटर डैमेज है, तो आप सोच के आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कहानी बन जाएगी कि यार हाँ बारिश में एक बार भीग तो गया था, और आप बोल दोगे कि हाँ थोड़ा सा भीग गया था, वो कहेंगे ठीक है सर गारंटी खत्म है, अब इसके 1500 रुपये बैटरी के देने होंगे आपको, उस कंडीशन में आप बेवकूफ़ बन जाते हो। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप सीधा सर्विस सेंटर जाइए, उसको बोलेंगे भाई मेरे फोनों का पानी नहीं गया और बैटरी अपने आप, क्योंकि बैटरी है ना पानी में जाने से खराब नहीं होगी, फूलती नहीं है पानी में जाने से, बैटरी कभी भी खराब होगी तो इंटरनल डैमेज के कारण खराब होती है। जैसे कि ये बैटरी है, ये देखिए फूल गई है, फूली हुई बैटरी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दुकान से, मतलब अपनी दुकान से। तो ये देखिए बैटरी कितनी फूली हुई है ना, इसमें गैस भर गई अच्छी तरीके से और ये पानी नहीं भरता भाई, कभी भी पानी जाने से बैटरी कभी भी नहीं फूलेगी। तो आपको कितना ही पागल बनाया सर्विस सेंटर वाला कि भाई आपके पानी जाने से बैटरी फूल गई, तो मानना मत इस चीज़ को, क्योंकि बैटरी वाटर डैमेज से कभी नहीं फूलेगी। और आप उससे प्रूफ भी मांग सकते हैं कि भाई दिखा मेरे मदरबोर्ड पे जो स्टिकर लगा होता व्हाइट कलर का, वो रेड हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको दिखा देते हैं, अगर पानी में गया होगा तो फिर तो आपके आपका सेट गारंटी में नहीं होगा, अदरवाइज आप बैटरी को फ्री में चेंज करा कराएंगे एक साल से पहले अगर आपका फ़ोन गारंटी में है तो। दूसरी बात देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बहुत काम के बाद बताऊँगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखना वीडियो को, पूरी देख लेना इस वीडियो को, आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। देखिए, मैंने भी काफ़ी इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो देखी, नज़र मारी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में, काफ़ी बंदे टाइकोट पहन के इस तरीके से बता रहे हैं कि बैटरी को आप ठीक कर सकते हैं, बैटरी को पंक्चर भी कर सकते हैं, बैटरी ठीक भी हो जाती है, फूली हुई बैटरी को कैसे ठीक करें, मिनटों में ठीक करें, अपने पैसे बचाएं, भाई इन चक्करों में कभी मत पड़ना, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कभी भी है ना इस फोन की बैटरी को पंक्चर मत करना, आग लग जाएगी बहुत ज़्यादा। ये वीडियो बनाने वाले ये चीज़ तो सोचते नहीं कि इन वीडियोज़ को कोई बच्चा भी देख लेता है, मेरे पास 2-3 केस ऐसे आ चुके हैं भाई कि मैं बच्चों के हाथ जले हुए देख चुका हूँ, और फिर मैं जब उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ ना कि ये बच्चे के हाथ में क्या हो गया था, कह रही है एक बार वीडियो देख रहे थे, ये रियल कहानी बता रहा हूँ भाई साहब, कि एक दिन ये वीडियो देख रहा था और कह रहा कि बैटरी फूल गई थी, और बैटरी थी उसकी जियो वाली, अब जियो जियो के फ़ोन में ऐसी कागज़ वाली बैटरी तो है नहीं, वो मेटल की बैटरी है भाई साहब। वो बंदे ने सुई मारनी शुरू कर दी, आग लग गई, और जब बैटरी के अंदर से है ना फ्लेम निकलती है ना, मतलब फ्लेम मतलब आग निकलती है ना जब, तो स्टोव होता है ना स्टोव, स्टोव की तरह आग निकलती है भाई साहब, वो हाथ को भी जला देगी, और उस वक्त है ना
दिमाग सुन्न हो जाता है, जिस वक्त कोई एकदम से अचानक से कोई हादसा होता है तो दिमाग सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है कि उस पर पानी डालूँ या फिर इसको दूर फेंक दूँ। तो इसी चक्कर में बच्चे का मैंने हाथ जला हुआ देखा, देखा भी नहीं जा रहा था मुझसे, मैंने इस कंडीशन में उसके बच्चे का हाथ देखा था। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करना भाई, बहुत सारे बंदे जो वीडियो बना 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 रहे हैं ना व्यूज़ पाने के लिए कि भाई इसमें ब्लेड लगा के उसे वो रिपेयर कर लो, रिपेयर हो जाती हैं, पैसे बच जाएंगे, भाई कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। अगर आपकी बैटरी ख़राब होगी ना, जान से बढ़ के थोड़ी है, 1000 रुपये की बैटरी आएगी सर्विस सेंटर में, बाहर से आप लेना चाहेंगे 200-250 रुपये में बैटरी मिल जाती हैं, तो आप बाहर से ना खरीद लें, तो इन चक्करों में कभी ना पड़े। और आपको पंक्चर करने का देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अगर आपको बैटरी एक्सप्लोजन देखना है तो हमारे इंडिया के कुछ बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जैसे यूट्यूब क्रिएटर जैसे मिस्टर इंडियन हैकर हो गए, तो इन्होंने भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूँ इनकी वीडियो को। और क्रेजी एक्स वाई जेड ये भी है, इनने भी वीडियो बना रखी है, मैंने इनकी वीडियोज़ देखी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा इन्होंने जो समझाया है, जो इनके समझाने का तरीका है। देखिए मैं तो आपको एक्सप्लोजन करके नहीं दिखा सकता, इनका ही काम है, क्योंकि ये करते रहते हैं सारा दिन, इनको ऐसे काम करने होते हैं। तो इनकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं बैटरी एक्सप्लोजन वाली, भाई बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और आग कैसे लगती है आप देख सकते हैं। भाई घर में कभी भी ट्राई करने की कोशिश ना करें, अगर घर में ट्राई करने की कोशिश करोगे तो भाई जैसे ही आप ब्लेड लगाओगे ना, तो मैं एक वीडियो है साइड में दिखा दूंगा आपको, इस वीडियो में देखिए किस तरीके से ये ब्लेड ब्लेड लगाता है बंदा। ब्लेड कौन सी, देखो मैं दिखाता हूँ, हमारे पास एक ब्लेड होती है मोबाइल रिपेयर वालों के पास, देखो अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस ब्लेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लेड ही इस वीडियो में यूज़ की गई है, वो ऐसे ही टिक टिक करके देख रहा था, उसको या तो नॉलेज नहीं होगी, या नॉलेज नहीं होगी तो कभी कभी ऐसा होता है ध्यान कहीं और होता है और हम कुछ काम कर देते हैं हमें पता नहीं चलता। तो ये बैटरी, अगर मैं इस बैटरी पे ये ब्लेड लगा दूँ ना थोड़ी तेज़, तो ये बैटरी भी मेरे हाथ में जल जाएगी, इस पर आग लग जाएगी बहुत तेज़। तो उसने ऐसे इस पर लगाई और एकदम से ब्लास्ट हो गई। तो दोस्तों ऐसी गलती आप कभी भी ना करें घर पर, और छोटे बच्चे हों तो भाई बिल्कुल मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगा कि ऐसा काम बिल्कुल मत करना, खतरे से खाली नहीं है ये चीज़ें करना, ठीक है दोस्तों। काफ़ी बंदे हैं ना इन चक्रों में आके अपना नुकसान कर बैठते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, मान लीजिए आप खुद से इस बैटरी को ठीक कर लेंगे पंक्चर करके, इसकी हवा निकाल लेंगे, गैस निकल गई, ठीक है, अब आप सोचोगे कि हाँ बैटरी चार्ज भी हो रही, सेट ऑन हो जाएगा आपका, मैं मना नहीं कर रहा, सेट ऑन हो जाएगा, हम ये सारे तिकड़मबाजी कर चुके हैं बहुत साल पहले, मगर मैं कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करता ये काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप पंक्चर करके उस बैटरी को लगा देंगे ना, उसके बाद फिर आप जब उस फ़ोन को चार्जिंग में लगाएंगे तो उसके बाद बैटरी हीट जनरेट करेगी चार्जिंग चार्जर लगने के कारण, और फिर आपके फ़ोन में ब्लास्ट हो सकता है ज़बरदस्त वाला। तो इसलिए कभी भी ऐसे बंदों की बात मत मानना। देखिए एक रियल इंसिडेंट बता देता हूँ कि एक दुकानदार ने क्या किया कि किसी के फ़ोन की बैटरी फूली हुई थी और उसने पंक्चर करके उस पर टेप लगा के उस बैटरी को दोबारा लगा दिया और उसको बोल दिया कि मैंने आपके फ़ोन में नई बैटरी डाली है, और उससे 1000 रुपये ले लिए, ठीक है। अब अगले दिन वो बंदा मेरे पास आ जाता है रिपेयर कराने के लिए, उस फ़ोन में चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम आ गई। तो अब वो आया मेरे पास, मैंने कहा भाई क्या बैटरी चेंज कराई, कह रहे हाँ कल ही कराई थी, मैं जाता उसी के पास मगर उसकी दुकान बंद थी, तो किस्मत की बात है उसे मेरे पास आना था, तो मैंने देख लिया उसको, मैंने कहा बैटरी चेंज कराई, मगर बैटरी तो चेंज नहीं हुई है। तो फिर मैंने बैटरी हल्की सी उठाकर देखी तो भाई साहब उस पर कट मार रखा था उस बैटरी पे। अब भाई साहब वो गरीब सा आदमी यार, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा, वो तो कुछ वो तो बोले गए, वो कहे मैंने तो भाई नई बैटरी डाल के दे दी थी बैटरी, या मना भी कर दे बाद में, बिल थोड़ी देते हैं दुकानदार वाले, दुकान वाला कोई बिल नहीं देता भाई साहब बैटरी का, बहुत बहुत कम बंदे होते हैं जो बिल बना के देते हैं, वो भी कैश मैम वो देंगे, पक्का बिल तो कोई भी नहीं देगा GST वाला, है ना। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए भाई कभी भी अपनी बैटरी को रिपेयर मत कराना, चेंज करा लेना यार, 1000-1500 रुपये जान से बढ़ के थोड़ी होते हैं। आप सर्विस सेंटर जाइए, सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है, ओरिजिनल बैटरी अगर आपको चाहिए तो सीधा सर्विस सेंटर, बाकी लोकल बैटरियाँ मार्केट में मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं यार, 200-250 रुपये में आराम से मिल जाती है, और आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद के मेरे चैनल पर आप अपने मॉडल नंबर का नाम डालिए, उसके बाद मेरे चैनल का नाम डालिए, आपके सामने वो सेट खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, तब तक अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मुझे आप तक पहुँचानी है, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ आप तक जानकारियाँ पहुँचाना, ताकि आपको सही समझ मिले, सही जानकारी मिले, और आपको कोई बेवकूफ़ बना पाए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपके काम आता रहेगा। डेली डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह के टाइम, सुबह 10-10:30 बजे करीब, तो आप ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो, और लाइक भी कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।